4 बज रहे थी। पेट के दर्द से परेशान होकर कमोलिका उठकर बैठ जाती है और बोलती है, उफ, पता नहीं क्यों भगवान ने हम लड़कियों के साथ ही नाइंसाफी करी। हर महीने ये बिन बुलाए मेहमान टाइम से पहले ही आ जाते हैं। इतना कहकर कमोलिका वॉशरूम में जाती है और फ्रेश होकर आती है और पीरियड्स पेन से परेशान होकर कमरे में इधर उधर टहलने लगती है। तभी पलंग पर सोए वो अपने पति अनूप को देखकर कमोलिका मन ही मन में सोचती है, इनको देखो क्या मस्त घोड़े हाथी बेचकर सो रहे हैं। इनको कोई परवाह नहीं है कि इनकी बीवी कितनी तकलीफ में है। नींद आ रही है लेकिन इस दर्द में सोया भी नहीं जाएगा। ऐसे ही घूमते घूमते सुबह के 6 बज जाते हैं। कमोलिका का दर्द पहले से कम हो जाता है और वो पलंग पर जाकर लेट जाती है। तभी उसकी आंख लगने ही वाली होती है कि तभी उसकी सास मंदिरा कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगती है। बहू बहू, अरे ओ कमोलिका बहू, उठ जा, सूरज निकल गया है, कब तक सोती रहेगी। अरे ओ सासू माँ, कमोलिका की आवाज सुनकर मंदिरा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कमोलिका फ्रेश होकर अपनी सास के पास जाकर बोलती है, जी माँ जी, ये क्या हुआ। होना क्या है, सुबह हो गई, चाय नाश्ता बनाओ। पता नहीं क्या कि अनूप के काम पर और मानवी के कॉलेज जाने का समय हो गया है। जी माँ जी, जाती हूँ। अपनी कमर पर हाथ रखे कमोलिका रसोई में जाती है और काम करने लगती है। कुछ देर बाद सभी के लिए नाश्ता रेडी करके वो टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। और तभी कमोलिका की ननद मानवी बोलती है, भाभी पराठे में नमक जरा कम लग रहा है, जरा अचार का डब्बा तो लाना। अरे तुम खुद ले लो ना प्लीज। क्यों, तेरे पैरों में फेविकोल लग गया है जो चल नहीं रहे, जा जाकर लेकर आ। माँ जी मैं नहीं जा सकती, समझा करो। अरे कमोलिका क्या हो गया, ये तो रहा किचन, ला दो अचार। अरे कह दिया ना नहीं जा सकती, एक बार में समझ ही नहीं आ रहा है, पीरियड्स हुए हैं मुझे और मेरे हाथ लगाने से सारा अचार खराब हो जाएगा, ऐसा माँ जी कहती है, आया समझ में क्यों नहीं जा रही। कमोलिका की बात सुनकर सभी का मुंह बंद हो जाता है और बिना कुछ कहे मानवी रसोई में जाकर अचार का डब्बा लेकर आती है और अनूप भी नाश्ता खत्म करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद मानवी अपनी भाभी से बोलती है, सॉरी भाभी, माफ करना, मैं समझ सकती हूँ आपको इस वक्त बहुत तकलीफ हो रही होगी, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाई, अगली बार से मैं ख्याल रखूंगी, अपना ध्यान रखना। कोमलिका से कहती है, तूने शर्म बेच खाई है क्या, अरे कैसे मुंह फाड़ के बोल रही थी अनूप के सामने, वो भी अपनी महावारी के बारे में। ये औरतों की बातें होती है पर्दे में ही अच्छी लगती है। माँ जी मैं तो पर्दे में ही कह रही थी, पर आप समझे तब ना, आपको तो हर चीज खोल खोल कर समझाओ तब आपको समझ आता है, यहाँ दर्द में मेरी जान जा रही है, आपको शर्म हया की लगी हुई है। अरे ओ फूल से कमजोर, तू कोई पहली औरत या लड़की नहीं है जिसे ये सब हो रहा हो, हमें भी होता था, हम भी सब करते थे, इसलिए काम न करने की नौटंकी तो बिल्कुल भी मत करियो। माँ जी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं काम नहीं करूँगी या फिर मैं काम चोर हूँ, मैंने ना कभी पहले मना किया था ना अब करूँगी, मैं जा रही हूँ, बस आप अपनी इस तीखी जुबान पर थोड़ा रोक लगा लो। इतना कहकर कमोलिका वहाँ से चली जाती है और घर के सारे काम खत्म करती है। जैसे तैसे उसके पीरियड्स के 6 दिन निकल जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और कमोलिका के पीरियड्स के दिन फिर से आ जाते हैं और हर बार की तरह इस बार उसे पेट में बहुत तेज दर्द होता है, साथ ही उसके पैर भी ज्यादा काम करने की वजह से सूज जाते हैं। ऐसे ही कमोलिका घर का काम खत्म करके अपने कमरे में बैठी होती है, तभी वहाँ मानवी आकर बोलती है, भाभी आप ठीक हो ना। हाँ मानवी मैं ठीक हूँ, बस पूरा बदन टूट रहा है दर्द से, मन कर रहा है सो जाऊँ। तो भाभी आप आराम कर लो ना, सारा दिन इतना काम करती हो, पैर देखो आपके कितने सूज गए हैं, लाओ मैं दबा दूँ आपके पैर। अरे नहीं नहीं मानवी, कैसी बातें करती हो, मैं ठीक हूँ, ये दर्द भी ठीक हो जाएगा। भाभी जब मुझे पीरियड्स होते हैं तो आप भी तो मेरा कितना ख्याल रखती हो, एक टाइम पर मैं कुछ भूल सकती हूँ लेकिन आप अब हर चीज का ख्याल रखती हो, अब आप बिना कोई सवाल किए लेट जाओ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। मानवी की बात सुनकर कमोलिका पलंग पर लेट जाती है और मानवी उसके पैर दबाने लगती है। कुछ देर में कमोलिका गहरी नींद में सो जाती है और मानवी कमरे की लाइट बंद करके वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद कमोलिका के कमरे में मंदिरा आती है
और कमोलिका को ऐसे सोता हुआ देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कमरे की लाइट ऑन करती है और टेबल पर रखा हुआ पानी का जग उठाकर कमोलिका पर पानी डालती है, जिस वजह से कमोलिका एकदम से उठ जाती है और मंदिरा बोलती है, क्यों रे करमजली, तेरे बाप ने 10-12 नौकर भेजे हैं क्या दहेज में, जो महारानी आराम से पैर पसार कर सो रही है। माफ करना माँ जी, पता नहीं चला मेरी आँख कब लग गई। झूठ मत बोल, तू सब जानती है कि कैसे कब आँख लगी तेरी। अरे ये लाइट क्या अपने आप बंद हो गई कमरे की? माँ जी वो ये वो करना बंद कर समझी, जाकर कपड़े धो, इतना ढेर लगा है जो महारानी का आराम हो गया हो तो। अपनी सास को बिना ऐसे ही वक्त गुजरता है और मंदिरा का जुल्म कोमलिका पर पड़ता जाता है। पीरियड्स के दिन हो या नॉर्मल दिन, मंदिरा कोमलिका से जबर काम करवाती, जिस वजह से कोमलिका अपना ख्याल अच्छे से नहीं रख पाती थी और ना ही टाइम पर खा पी पाती थी। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं और एक शाम पीरियड्स के दिन में रसोई में काम कर रहे कोमलिका काम करते करते अचानक बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ मानवी आती है और कोमलिका को बेहोश देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से अनुप को बुलाती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर कोमलिका को हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर कोमलिका को चेक करके बोलती है, अनुप आप कैसे पति हैं? आपकी पत्नी की हालत देखी है, वो पीरियड्स में है, ऐसे टाइम पे औरत की कितनी केयर करने की जरूरत होती है। आप जानते भी हैं आपकी बीवी की हालत कितनी खराब है, उनको कमजोरी है, साथ ही उनकी बॉडी में ब्लड की भी बहुत कमी है। पैर देखे उनके कितने सूज रहे हैं। अरे आप लोग गधों की तरह काम करवाते हैं क्या औरतों से? मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, आप उनको टाइम पर देते रहना। अनुप और मान कोमलिका का चेकअप करवा कर और दवाइयाँ लेकर घर आ जाते हैं और घर आते ही मंदिरा गुस्से में बोलती है, क्यों रे महारानी, दुनिया में तू अकेली बहू बनी है? अरे जरा काम क्या करवा लिया, तू तो बेहोश होने लगी। नहीं किया जाता काम तो साफ बोल दे, ये ड्रामेबाजी क्यों दिखा रही है? बस माँ बहुत कह लिया आपने, अरे मैंने आज तक कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं समझता था कि औरतों की बात है, आप बेहतर जानती होंगी। पर नहीं, आप तो एक औरत होकर भी मेरी कमोलिका का दर्द नहीं जान सकी। अरे मुश्किल दिनों में आपको उसका ख्याल रखना चाहिए, पर आप तो उससे गधों की तरह काम करवाती हैं। हाँ माँ आप जानती भी हैं, भाभी इन दिनों मेरा कितना ख्याल रखती हैं, खाने से लेकर पहनना सोना आराम हर चीज का ख्याल रखती हैं। वो भी तो औरत है, क्या हम उनका ख्याल नहीं रख सकते? सभी की बात सुनकर मंदिरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। और अब से जब भी कोमलिका को पीरियड्स होते, मानवी और मंदिरा मिलकर उसका खूब ख्याल रखती। खुशी एक चुलबुली सी और रंग रूप में बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। उसे बचपन से ही ढेर सारे सवाल करने की आदत थी, क्योंकि चीजों के बारे में जानकारी लेना उसे एक्साइटमेंट दिया करता था। लेकिन उसके सवाल कई बार इतने ज्यादा बेवजह होते थे कि लोग उससे परेशान हो जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन वो मार्केट में सब्जी लेने जाती है, जहां वो सब्जी वाले के पास जाकर उससे बोलती है, भैया टमाटर कितने के दिए? मैडम 50 के आधा किलो। अच्छा भैया जरा एक बात बताइए, ये टमाटर हमेशा लाल ही क्यों होता है, हरा नीला गुलाबी काला पीला क्यों नहीं होता? अरे मैडम मुझे नहीं पता। लेकिन ये तो पता होगा ना कि टमाटर हमेशा गोल। यहाँ से आगे ले जाता है। खुशी भी उसके बाद बिना सब्जी लिए घर आ जाती है, जिसे देखकर उसकी माँ विमला कहती है, अरे तुम खाली हाथ आ गई, सब्जी कहाँ है खुशी? तो क्या करती माँ, कोई सब्जी वाली सब्जी दे ही नहीं रहा था। बस कर, समझ गई मैं, तेरे सवालों के दुकान ने उनका भी दिमाग गरम कर दिया होगा। एक सवाल ही तो पूछा था मैंने, चलो आप ही बता दो कि। रहने दे, चुप रह, मुझे नहीं पड़ना तेरे सवालों के जाल में। उतना कहकर विमला वहाँ से अपने काम करने चली जाती है और खुशी भी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। खुशी के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आता है, एक रोहित नाम के लड़के का। सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं और खुशी को देखकर रचना उससे पूछती है, बिटिया तुमको खाना वाना बनाना आता है? जी हाँ आता है ना, बस आप बताइए क्या बनाना है, रोटी सब्जी बनानी है ना? चलिए बताइए सब्जी कैसी बनानी है, तरी वाली बनानी है या फिर सूखी बनानी है, और रोटी कैसी बनानी है, पानी लगाकर बनाओ, तंदूर वाली बनाओ या फिर घी वाली बनाओ, सब कुछ आता है मुझे। अरे अरे बस कर बेटी। खुशी के इस वाक्य को सुनकर वहाँ सभी मौजूद लोग हंसने लगते हैं। रोहित को भी खुशी बहुत पसंद आती है, जिसके बाद
दोनों परिवारों की रजामंदी से कुछ ही दिनों के बाद खुशी और रोहित की शादी करवा दी जाती है। खुशी की सवाल पूछने की आदत अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन रोहित प्यार भरे अंदाज में खुशी से कहता है, अरे खुशी डार्लिंग, आज मैं बहुत खुश हूँ और मौसम भी बड़ा अच्छा है, क्यों ना हम दोनों बाहर जाके डिनर करें आज। रोहित जी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप खुश हैं इसलिए बाहर जाना है या फिर मौसम अच्छा है इसलिए बाहर जाना है। अरे दोनों वजह से। अगर दोनों वजह है तो फिर जिस दिन मौसम अच्छा होगा तब भी हम बाहर जाएंगे और जिस दिन आप खुश होंगे तब भी हम बाहर जाएंगे। अरे बाबा ठीक है, जब भी ऐसा होगा हम लोग बाहर चलेंगे। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते हम काफी दिन बाहर जा सकते हैं, है ना रोहित जी। चलिए आप जल्दी से बताइए कि हम किस किस दिन बाहर जाएंगे। खुशी के इतने सवालों को सुनकर रोहित बहुत चिढ़ जाता है और उसे गुस्से में बोलता है, ओ सवालों की दुकान, रहने दो, कहीं नहीं जा रहे हम, यहीं रहो घर में, दिमाग और मूड की बैंड बजा के रख दी। इतना कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है और खुशी के इन सवालों से बहुत परेशान हो जाता है। खुशी किसी भी काम को करने से पहले ही सवालों की दुकान खोल दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन रचना खुशी से कहती है, बहू जरा सुन, उस सामने वाले जो पड़ोसन है ना, उनके यहाँ कीर्तन है तो मैं वहीं जा रही हूँ, शाम तक आऊँगी। अच्छा माँ जी, कीर्तन किस चीज के लिए है? हे भगवान, फिर से शुरू हो गई। अरे मुझे नहीं पता, जाने दे अब मुझे। पर माँ जी, बिना वजह भगवान को दुखी करने का क्या, मुझसे नहीं होगा, समझी, बेवकूफ कहीं की। रचना इतना कहकर घर से निकल जाती है और खुशी भी घर के कामों में लगती है। दिन गुजरते जाते हैं और खुशी की आदत में बदलाव नहीं आता। ऐसे ही एक दिन रोहित का दोस्त अमित उनके घर आता है और बोलता है, अरे रोहित भाई, तुम शादी के बाद गायब ही हो गए यार, ना पार्टी वार्टी में आते हो और ना ही तुमने भाभी से मिलने के लिए बुलाया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आ जाऊं। अरे कोई नहीं भाई, अच्छा किया तू आ गया, बस खुशी अपने सवालों की दुकान ना खोले तो अच्छा है। दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी खुशी चाय नाश्ते की ट्रे लेकर वहाँ आती है। खुशी को देखकर अमित कहता है, अरे अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी, अब आप ही बताओ, बिना खाए कोई जिंदा रह सकता है क्या, बताओ बताओ। अरे अरे हाँ, नहीं रह सकते, अब रख दो यहाँ ये। खुशी नाश्ता देने के बाद वहाँ से चली जाती है। अमित भी कुछ देर रोहित से बात करके चला जाता है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन रोहित की माँ बाथरूम में गिर जाती है और गिरने से जोर जोर से वो आवाज लगाकर खुशी से कहती है, बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ मर गई नास पीटी, अरे आजा जल्दी, अब क्या मरने के बाद ही आएगी यहाँ। रचना की आवाज सुनकर खुशी भागकर बाथरूम में जाती है और अपनी सास को नीचे गिरा हुआ देखकर बोलती है, अरे अरे माँ जी, आप ऐसे जमीन पर क्यों लेटी है, अरे आपकी कमर अकड़ जाएगी, चलिए कमरे में, बेड पर लेट जाइए। अरे बेशरम नास पीटी, मैं क्या तुझे यहाँ लेटी हुई दिख रही हूँ, अरे नास पीटी गिर चुकी हूँ मैं, उठाओ मुझे। क्या माँ जी, पर आप गिरी कैसे, किसी ने गिराया आपको, क्या आपका पैर फिसल गया था, आपके पैर के नीचे साबुन आ गया था, कहीं चप्पल तो नहीं टूट गई? हे भगवान, अरे उठा ले मुझे, वरना मैं यहाँ पड़े पड़े ही मर जाऊंगी। अरे इस करम जली को अपने सवालों के आगे मेरा दर्द भी नहीं दिख रहा, बेशरम कहीं की, खड़े खड़े सवाल पे सवाल करी जा रही है। हाय हाय माँ जी, मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी से चलिए मेरे साथ, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। शुक्र है। खुशी अपनी सास को कमरे में लेटा देती है। शाम होने पर रोहित घर वापस आता है और अपनी माँ के कमरे में जाकर वो रचना को देखता है। रचना उसे अपने गिरने की सारी खबर देती है, जिसे सुनकर रोहित गुस्से में खुशी को आवाज लगाता है और बोलता है, माँ आज बाथरूम में गिर गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं, अरे कम से कम एक कॉल तो कर सकती थी ना। क्या रोहित जी, आपको आने की क्या ही जरूरत थी, मैंने संभाल तो लिया था माँ जी को, डोंट वरी। हाँ पता है मुझे कैसे संभाला था तुमने, तुमको थोड़ा भी फील नहीं होता क्या कुछ? पर रोहित जी, फील क्या करना था वो तो बताओ। अरे माँ का दर्द, तुम उनके पास ही थी ना। अब माँ जी का दर्द भला मुझे कैसे फील होगा, गिरी तो माँ जी है। रोहित जी बिना पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। चुप हो जाओ खुशी, हाथ होती है किसी चीज की। पर हुआ क्या है और किस हद की बात कर रहे हैं आप, अरे मैंने किया क्या है? फिर सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, अरे तुम थकती नहीं हो क्या सवाल कर करके, और सवाल भी बेतुके से, कभी सोचा है कि कैसा लगता होगा दूसरों को जो तुम्हारे सवालों के जवाब ही नहीं होते? पर रोहित जी मैंने, खुशी सवाल पूछने का शौक है ना तुमको, यह आदत है हमारी, तो कभी ये क्यों नहीं पूछा कि रोहित जी दिन कैसा गया आपका,
रोहित जी आप ठीक तो हो ना? रोहित जी आपको कोई परेशानी तो नहीं ना? या फिर माँ से कभी पूछा कि माँ जी आपके पैर दबा दूं या आपको दर्द है तो बाम लगा दूं? नहीं ना, क्योंकि अपने बेतुके सवालों की दुनिया में किसी की फिक्र वाले सवाल तो तुमने ऐड ही नहीं किए, है ना? रोहित ने इतना गुस्सा आज पहली बार किया था, क्योंकि वो हर बार खुशी के सवालों को मजाक में ही टाल दिया करता था, मगर इस बार तो हद हो चुकी थी। माँ के गिरने पर खुशी ने उनकी मदद करने से पहले उनसे ढेर सारे बेतुके सवाल पूछे, जिससे रोहित बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन रोहित की बातें खुशी के दिल पर लग गई थी और उसे अपनी गलती का पछतावा भी हो गया था, और वो रोते हुए रोहित से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए रोहित जी, मैं अपने सवालों की दुनिया में इतना खोई थी कि मैं माँ जी का दर्द देख ही नहीं पाई। माफी मुझसे नहीं, माँ से मांगो जाके। माँ जी मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, और रोहित जी आप भी, मैं अब से वादे करती हूँ कि मैं कोई भी फालतू सवाल कभी नहीं करूँगी। रोहित और उसकी माँ दोनों ही खुशी को माफ कर देते हैं, और इसके बाद खुशी भी अपनी गलती को सुधारते हुए अपने बेतुके सवालों का पिटारा बंद कर चुकी थी, जिसके बाद वो तीनों एक बार फिर से अपने जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।